दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम वजीर एक्स में प्राइस अलर्ट कैसे लगा सकते हैं। ये जो प्राइस अलर्ट है वो हम किसी भी क्रिप्टो कॉइन पे हम लगा सकते हैं। जैसे हम ये देखना चाहते हैं कि अगर BTC का प्राइस ऊपर जाता है तो हमें पता चल जाए, अगर नीचे जाता है तो हमें पता चल जाए, या पर्टिकुलर क्या प्राइस चल रहा है तो हमें पता चल जाए। तो ऐसे नंबर ऑफ कॉइन्स कई सारे हैं वजीर एक्स में, हम कुछ अपने फेवरेट कॉइन में ये प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं। अब ये फेवरेट कॉइन कौन से हो सकते हैं, जो भी आपको दोस्तों पसंद हो, आप उन्हें बाय करना चाहते हो, तो उस केस में आप इसमें प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं। जो प्राइस अलर्ट होगा वो आपको एक नोटिफिकेशन देगा, जो आपके नोटिफिकेशन बार में ऊपर की तरफ शो होने लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी कॉइन को अपनी जो फेवरेट लिस्ट है हम उसमें कैसे ऐड करना है वो देख लेते हैं। जैसे अभी हम ये देखें कि फेवरेट लिस्ट कहाँ पे होगी, तो आप यहाँ देख रहे हैं स्टार वाला एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ ये आपकी फेवरेट लिस्ट है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपको BTC वाला ये नज़र आ रहा है, जो कि हमारी फेवरेट वाली लिस्ट में ऐड है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे आप चाहते हैं कि शिबा आइनू बहुत लोगों का फेवरेट कॉइन है, BTT कॉइन आपका बहुत लोगों का फेवरेट कॉइन है, या और भी कोई कॉइन होलो कॉइन है, WRX कॉइन है, तो कई सारे कॉइन हैं। अगर आपको कोई भी कॉइन अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट सर्च करना है। जैसे आप चाहते हैं शिबा आइनू को ऐड करना है तो शिबा आप सर्च कीजिए, तो यहाँ आपको कोई भी पेयर आपको दिखता है, जिस भी पेयर का आप प्राइस देखना चाहते हैं उस पेयर को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं शिबा आइनू को INR पेयर में इसका प्राइस चेक करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जस्ट ओपन हुआ हो जाएगा, एंड यहाँ जो स्टार वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये येलो कलर का हो जाता है। अब येलो कलर का हो गया है तो इट मीन्स ये हमारी जो फेवरेट लिस्ट है उसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, जब भी इसका प्राइस चेंज होगा वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, वो हम प्राइस अलर्ट में देखेंगे। अभी हम बैक जाते हैं और या अपनी फेवरेट वाली लिस्ट को ओपन करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा शिबा आइनू ऐड हो चुका है। ऐसे ही अगर आपको USDT पेयर या किसी भी पेयर को ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे WRX पेयर को हम ऐड कर लेते हैं जल्दी से USDT में, ये देखिए तो ये हमारा यहाँ ऐड हो चुका है। आप यहाँ देखिए तीनों ऐड हो चुके हैं। अब दोस्तों क्या करना है हमें, हमें यहाँ कॉर्नर पर ऊपर की तरफ जाना है, ये यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए इस तरीके से सेटिंग वाली ऑप्शन यहाँ ओपन हो जाता है। फिर आपको यहाँ नोटिफिकेशन वाला एक ऑप्शन दिखता है जिसमें लिखा हुआ है प्राइस एंड रेफरल रिवार्ड्स अलर्ट, तो आपको अलर्ट वाला सेक्शन यहाँ मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये जस्ट ओपन हो रहा है नोटिफिकेशन वाला प्राइस अलर्ट वाला ऑप्शन। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक प्राइस अलर्ट नाम का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब जो भी कॉइन आपने अपनी फेवरेट वाली लिस्ट में ऐड किए हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं फेवरेट कॉइन वाली लिस्ट में आप यहाँ अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ इनेबल किया हुआ है तो यहाँ मुझे नोटिफिकेशन मिलता रहता है जब भी मेरी फेवरेट लिस्ट में कोई भी कॉइन ऊपर नीचे होता है। तो अगर आपका ये डिसेबल है ऐसे तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं, आप जस्ट टैप कीजिए आगे को, तो ये देखिए अब इनेबल हो चुका है। तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, ये देखिए इस पर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। एक पहला वाला है बिग प्राइस चेंज, अगर किसी भी कॉइन में जो भी हमारी फेवरेट लिस्ट में ऐड है उसमें कुछ बिग प्राइस आता है, चेंज होता है, तो ही हमें नोटिफिकेशन आएगा। और दूसरा वाला है मीडियम प्राइस चेंज, अगर ये दूसरा वाला मीडियम प्राइस चेंज, अगर कुछ मीडियम चेंजेस आते हैं उसके प्राइस में तो हमें नोटिफिकेशन आएगा। और तीसरा वाला है स्मॉल प्राइस चेंजेस, मतलब कुछ भी प्राइस चेंज होगा तो हमें नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने मीडियम प्राइस चेंज वाला ऑप्शन यहाँ ऐड किया हुआ, इट मीन जब भी प्राइस चेंज होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कॉइन किस प्राइस पर चल रहा है, और जिस प्राइस पर मैं बाय करना चाहता हूँ मुझे बिना ऐप खोले ही मुझे पता चल जाएगा कि इस प्राइस का ये वाला प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, यहाँ से आप इसे सेट कर लीजिए। जैसे मैंने मीडियम वाला सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और मैंने इसे इनेबल कर दिया है। और दूसरा होता है पॉपुलर कॉइन्स का, पॉपुलर कॉइन्स भी मैंने इनेबल किया हुआ है। पॉपुलर कॉइन दोस्तों वो कॉइन्स हैं जो अभी फिलहाल के लिए पॉपुलर हैं, जैसे कि आपका BTC हुआ, इथेरियम कॉइन हुआ, शिवा आइनू कॉइन हुआ, तो ये आपके पॉपुलर कॉइन हैं जो अभी चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप इनेबल कर देंगे उसके बाद जब भी उसमें प्राइस चेंज होता है वो आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो चलिए हम एक्सचेंज में चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ बैक होके आ चुके हैं, आप यहाँ देखिए ये अभी फिलहाल हमारी फेवरेट लिस्ट में है। और अगर आपको अपनी फेवरेट लिस्ट से किसी भी कॉइन को रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। आपको रिमूव कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे WRX कॉइन को आप अपनी फेवरेट लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ दोबारा से टैप करना है स्टार वाले ऑप्शन पर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही येलो वाला ऑप्शन यहाँ हट जाता है तो वो आपका फेवरेट लिस्ट से भी हट जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल था, इस तरीके से आप प्राइस अलर्ट यहाँ किसी भी कॉइन में यहाँ लगा सकते हैं और अपने फेवरेट कॉइन का प्राइस कभी भी पता कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल में पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो से, धन्यवाद।